नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। अगर किसी भी जातक जिसकी शादी हो रही है उन दोनों पति पत्नी में या किसी एक के जन्म लग्न में सूर्य पर शनि का व बुध या मंगल या बुध मंगल दोनों पर राहु का गोचर भ्रमण या दृष्टि संबंध बन रहा हो तो शादी नहीं करनी चाहिए जब तक ये गोचर दृष्टि समाप्त नहीं हो जाती। अन्यथा नव दंपत्ति का तलाक या आत्महत्या अथवा आग से जलने मरने की दुर्घटना हो सकती है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए कुल 36 गुणों में से कम 18 गुणों का मिलान आवश्यक माना गया है, परंतु विवाह से पूर्व पूर्ण रूप से पत्रिका मिलान के बाद भी विवाह में झगड़े तलाक या आत्महत्या को नहीं रोका जा सकता है। कुछ पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहते अवश्य हैं, किंतु मन नहीं मिलता। ज्योतिषाचार्य पंडित दयानंद शास्त्री ने बताया कि कई लोग सिर्फ अच्छे परिवार में विवाह के लिए अथवा कोई एक मांगलिक होने के कारण नकली जन्म पत्रिका मिलवाकर विवाह कर देते हैं अथवा सिर्फ नाम से ही विवाह कर दिया जाता है। कई बार ज्योतिष वर्ग भी दक्षिणा के आधार पर सिर्फ 5 मिनट में ही जन्म पत्रिका का मिलान कर देते हैं, जबकि मेलापक वास्तव में ऐसा विषय नहीं है जो सिर्फ 5 मिनट में ही पूर्ण विवाह मिलान कर दिया जाए। वे मंगल की स्थिति भी नहीं देखते हैं कि मंगल किस राशि व किस भाव में है, क्योंकि मंगल के उपरोक्त स्थान में होने मात्र से जातक मंगली नहीं हो जाता। कई ज्योतिषी तो ऐसे भी होते हैं जो प्रथम चतुर्थ सप्तम अष्टम व द्वादश भाव में मंगल होने मात्र से ही मंगली का हवा बैठा देते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने मेलापक सिर्फ इसलिए बनाया कि विवाह से पूर्व दो जीवन के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सके। उनके विवाहित जीवन में किसी प्रकार की समस्या न आए और दोनों ही अपना जीवन सुखी सौहार्दपूर्ण व सफल रूप से जीवन यापन कर सकें। एस्ट्रोमित्रम की अगली कड़ी में आपको बताएंगे शादी टूटने में वास्तु की भूमिका और ज्योतिषीय कारण। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।